स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर सेकंड का जो अपना रिवीजन टेस्ट किया था, अब उसके हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या थे। तो हमारा जो फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन था डैश यूज टू सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए, आप सबको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होती हैं वो कैसे होते हैं। देवर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म एंड कांट बी, यानी कि दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। ठीक है, यानी कि हम लोग उनको खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? वी यूज़ माइक्रोस्कोप। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? हमारा माइक्रोस्कोप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड वन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इन टू डैश इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। आपको पता है फर्मेंटेशन जब होती है तो उसके अंदर क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। तो हमारा सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा? एल्कोहल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है नेम टू एंटीबायोटिक्स। कोई दो एंटीबायोटिक्स के नेम आपको बताने हैं। तो आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग दो आपकी बुक के अंदर मेंशन कर रखे हैं, इसमें तीन आपके मेंशन कर रखे हैं। पहला है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये थ्री जो हैं आपकी बुक के अंदर मेंशन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाई फीमेल मॉस्किटो बाइट ह्यूमन बींग्स। ये देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन आंसर की वीडियो के अंदर भी बताया था कि ह्यूमन बींग जो होता है उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है। ठीक है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है और ह्यूमन बींग्स को बोला जाता है वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है और ये हाई टेम्परेचर क्या होता है? मॉस्किटो को, यानी कि स्पेशली फीमेल मॉस्किटो को रिक्वायर होता है किसके लिए? फॉर प्रोड्यूसिंग द एग्स। तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर टू प्रोड्यूस एग्स। ठीक है, जब ये एग्स प्रोड्यूस करेगी तभी तो इसमें से न्यू जो मॉस्किटोज हैं जिनको हम लोग बोलते हैं, पहले वो लार्वा राइज होगा, उसमें से फिर यंग वन क्या बन जाएगा हमारा? एक मॉस्किटो जो है वो उसके अंदर से प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, व्हाई इडली डव राइजेस। यानी कि इडली का हम लोगों ने जो एक बेस बना के रखा हुआ है इडली बनाते समय, वो राइजअप क्यों होता है? तो देखिए, राइजअप होने के लिए इसके अंदर हम लोग लेते हैं एक मेन पॉइंट कि इसके अंदर सबसे पहले के तो क्या कर रहे हैं हम लोग कि ग्रोथ हो रही है ईस्ट की। ठीक है, एक पॉइंट तो हम ये मानते हैं इसके अंदर कि ग्रोथ होगी ईस्ट की। दूसरा, ईस्ट की ग्रोथ होने की वजह से क्या हो रहा है? इन इट विच रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। जब ईस्ट की ग्रोथ होती है, ठीक है, और ये कौन सा प्रोसेस कहलाता है हमारा? फर्मेंटेशन। अगर आप इसके अंदर डायरेक्टली लिखते हैं ड्यू टू फर्मेंटेशन, तो वो पूरा आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा? द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन विल टेक प्लेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल रिलीज। ठीक है, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। तो गैस क्या करेगी? ऊपर की तरफ एस्केप करना स्टार्ट कर देगी। तो हमारा आटा जो हम लोगों ने पेस्ट बना के रखा हुआ है वो इसको ऊपर की तरफ ले जाना शुरू कर देगी और उसका जो मास है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? अपना इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर सिक्स, नेम अ बैक्टीरिया विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर कौन सा हेल्प करता है? राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प करता है। आपके मैच द कॉलम के अंदर भी मैंशन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, नेम द बैक्टीरिया विच हेल्प इन सेटिंग ऑफ कर्ड। सेटिंग ऑफ कर्ड का मतलब दही को जमाने में कौन सा हेल्प करता है? तो इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया आ जाएगा? अपना लैक्टो बैसिलस। ठीक है, यहाँ पे बैसिलस जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है रॉड, कि रॉड के शेप के जैसे, यानी कि इस तरीके से हमें वो जो बैक्टीरिया है वो नज़र आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, डिफाइन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं? एज यू ऑल नो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ आर दोज डिजीज़ विच स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र होते हैं वाया किसके थ्रू? एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कॉन्टैक्ट के।
ठीक है, यानी कि अगर आप लोग बताना चाह रहे हैं कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा ये प्रोसेस कि कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो एक ऑर्गेनिज्म से, यानी कि एक नॉर्मल पर्सन से दूसरे के अंदर फैल रही है, ठीक है, यानी कि जिसको डिजीज़ है उससे एक नॉर्मल पर्सन के अंदर फैल रही है, किसके थ्रू, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, फूड, या फिर हमारा फिजिकल कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि जैसे हम लोगों ने उसके साथ क्या किया, हैंडशेक किया, ठीक है, हम लोगों ने एक दूसरे को क्या करा, हग कर लिया, ठीक है, हमने एक दूसरे को क्या कर लिया, टच कर लिया, सिंपली हैंड टच कर लिया, तो इसको बोलते हैं फिजिकल कॉन्टैक्ट। अगर ऐसे कॉन्टैक्ट में हम लोग आते हैं तो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो स्प्रेड करती हैं। तो जिन स्टूडेंट ने सिर्फ यहाँ तक लिख रखा है अपना कि दोज डिजीज़ विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो वो अपने इस क्वेश्चन के हाफ मार्क्स ही माने, फुल मार्क्स नहीं आने वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है, नेम द कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। डेंगू वायरस का कैरियर क्या होगा, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, फीमेल, फीमेल एडस मॉस्किटो, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमेशा फीमेल ही बाइट करती हैं, क्योंकि फीमेल्स को क्या ले करने होते हैं, एग्स ले करने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग क्यों हो जाती है। फूड पॉइजनिंग का रीज़न क्या होगा कि हमने जो फूड कंज्यूम किया, कंजप्शन ऑफ स्पॉइल्ड फूड, जो फूड है वो स्पॉइल हो गया, ख़राब कर दिया, किसने किया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने कर दिया, ठीक है। इन समर सीज़न कई बार आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि व्हेन वी पुट अ ग्लास ऑफ मिल्क नॉर्मली आउटसाइड अ फ्रिज, ठीक है, आउटसाइड फ्रिज कितना डिग्री टेम्परेचर, अप्रॉक्सीमेटली 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, जब हम उसको ग्लास ऑफ मिल्क को ऐसे कैसे रख देते हैं फॉर 3 to 4 hours, तो उसमें नीचे नीचे जो है यहाँ पे धीरे धीरे जो बैक्टीरिया हैं, जो जर्म्स हैं, वो ग्रो करने स्टार्ट करते हैं और हमारे मिल्क को क्या कर देते हैं, वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर हम उसको यूज़ करेंगे, उसको एज इट इज़ कंजर्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ हो जाएगी, जिसको हम लोग कॉमन क्या बोलते हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11, नेम टू केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। देखिए प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, जो किसी चीज़ को क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखेंगे, हम उनको नाम किसका देते हैं, प्रिजर्वेटिव का। तो यहाँ पे हमने कौन से पूछे हुए, दो केमिकल प्रिजर्वेटिव बताने जो जैम्स और स्क्वैशेस को जो है प्रिजर्वेंट करके रख सकते हैं। तो इसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा हमारा केमिकल कौन कौन से गिवन है बेटा आपके एनसीईआरटी बुक्स में, आप इसको देखिए, फर्स्ट वन है सोडियम बेंजोइड और दूसरा है सोडियम मेटासल्फाइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 12 है हमारा, वो है हमारा, व्हाई ऑयल इज़ यूज एज प्रिजर्वेटिव। देखिए बहुत कॉमन सी बात है कि आप लोगों ने पिकल्स में देखा होगा कि इनके घर पे जो अचार डलता है, या हम लोग मार्केट से अचार लाते हैं, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी कैन होती है उसके अपर एरिया में यहाँ पे ऊपर जो होती है एक ऑयल की लेयर बनी होती है, ठीक है, ऑयल की लेयर बनी होती, तो वो किस लिए होती, क्या करती, उसका क्या रीज़न होता है उस ऑयल की लेयर का, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है आपका, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा, इट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करती है। अब देखिए इसका रीज़न क्या हो जाएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि वाई दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ, तो रीज़न क्या हो जाएगा कि जो एनवायरमेंट है, ठीक है, यानी कि जो ऑयली एनवायरमेंट है, इट इज़ अनसेफ फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कैसा हो जाएगा, अनसेफ हो जाएगा, जिसके अंदर कि वो ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है, उनको ग्रो करने के लिए जो पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है वो एक्चुअली उनको नहीं मिल पाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, कॉलरा इज़ कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए वैसे तो इसका हम लोग साइंटिफिक बता सकते हैं, बट आपके बुक के अंदर जो है प्रॉपरली मेंशन नहीं है, सिर्फ इनकी एक कैटेगरी गिवन है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, किससे फैलता है ये, बैक्टीरिया से फैलता है। वैसे अगर हम इसको बोलते हैं तो ये फैलता है विब्रियो कॉलरे से, ठीक है, लेकिन आप लोग को क्या करना है, सिर्फ बैक्टीरिया करना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, मैंने क्या बताया था, ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम क्या होता है, ये होता है हमारा साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो इसमें पूछा हुआ है आपसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो एटमॉस्फेयर के किस एलिमेंट को फिक्स करती है, तो हम लोगों ने कर रखा है फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर कि किसको फिक्स करती है, ये फिक्स करती है नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करती है, नाइट्रेट और
नाइट्राइट्स के अंदर, ठीक है, जो हमारे प्लांट इजीली यूजअप कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेजर ग्रुप कौन कौन से हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्लास 8 एनसीईआरटी कौन कौन से ग्रुप्स हैं वो जो है हम लोगों को यहाँ पे मेंशन आउट करने। तो कौन कौन से ग्रुप हो जाएंगे इसमें, हमारा बैक्टीरिया है, फंगी है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। ठीक है, ये पहले भी मेंशन मैंने आपको बता रखा है कि सारी की सारी एल्गी हार्मफुल नहीं होती हैं, सारी की सारी फंगी जो है वो भी हार्मफुल नहीं होती हैं, बट कुछ ऐसी होती हैं कि जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। तो होप आप सब लोगों ने अपने क्वेश्चंस जो हैं वो मैच कर लिए होंगे, अपने आंसर भी मैच कर लिए होंगे। तो ये पूरा का पूरा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ का आंसर, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, एलेवन, ट्वेल्थ, थर्टीन, फोर्टीन यहाँ पे और फिफ्टीन यहाँ पे है। तो आप पूरा मैचअप कर लिए और अपना अपना स्कोर जो है वो मुझे काइंडली सेंड आउट करें। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।